अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको स्टेप बाय स्टेप ये कैपरी ट्राउज़र पेंट काट के सिखाने वाले हैं। इसी में आपको सारी ट्रिकें बताएंगे जो कि इसमें कितना कपड़ा होना चाहिए, ये फूलों का रुख है, ये ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे कैसे आएंगे, डबल में कैसे काटेंगे, सारा कुछ इसी में, और ये बॉर्डर कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको ना काट के दिखा रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने एस के दर्जे वाले उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले कर लें। आप यहाँ से जी इसको आपने अलहदा कर लेना है इस तरीके से, ये देख सकते हैं, और ये काटना चाहे आपकी मर्ज़ी, ये फट भी सकता है। इस तरीके से आपने इसको अलहदा कर लेना है ऐसे। और इस ट्राउज़र का ये है जो आपने फूलों का रुख देख लेना है, मैं आपको आसानी से दिखा देता हूँ। ये देखें फूलों का रुख है इसमें, तो ये फूल ऊपर जा रहे हैं। ऐसा ना हो जो आपने इस तरीके से ये काटे और डबल करके एक फूल ऐसे जा रहा होगा, एक नीचे जा रहा होगा, तो यही तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ से जी ये आपने दोनों को बराबर करके ये अलहदा पीस कर लेना है। इस तरीके से मैंने अलहदा कर ली है, तो आपने क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से जो है ना आपने ये बिछा लेना है इस तरीके से। यहाँ से जी इसको आपने कपड़े को ऐसे इस्त्री लगा लेनी है ऐसे खूबसूरत तरीके से ऐसे। मैं आपको फिर टोटल मालूमात दूंगा। दूसरे पीस को आप इस्त्री लगाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जी ये देखें मैंने ये दोनों पीस बिछा लिए। आपने क्या करना है, यहाँ से ये बेल्ट का निशान लगाना है आपने 2 इंच का, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से ये 1 इंच का ऐसे निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ से ये थाइस रख रहा हूँ मैं, यहाँ से 12.5 इंच, ये याद रहे आपने। अगर ऊपर से रखें तो 15 इंच पे रखें, ठीक है जी। अब यहाँ से ये जो लूजिंग है ट्राउज़र की, ये मैं यहाँ से रख रहा हूँ 14 इंच पे, ठीक है जी। इस तरीके आपने रख लेनी है। अगर लंबाई की बात की जाए तो मैं आप अपने हिसाब से काटूँगा, आप अपने हिसाब से जो लंबाई लेंथ होगी वो काटेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से रख रहा हूँ 38 इंच। इस तरीके ये 38 इंच हो गया। और अब इस पे जो है ना बॉर्डर हमने बढ़ता हुआ लगाना है, क्योंकि यहाँ सेंटर लेस भी लगाएंगे, तो इसका आपने नाप लेना है इस तरीके से। ये देखें ये मैं रख रहा हूँ इसका 3 इंच। तो आपने क्या करना है, यहाँ से मतलब 3 इंच आपने यहाँ से कम करना है, 2.5 इंच कम कर लें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आपने निशान लगाना है इस तरीके। यहाँ से जी ये आपने ये निशान लगा लेना इस तरीके से। अब आपने यहाँ से ये वाला जो लूजिंग बेल्ट की है, यहाँ से आपने 13 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और ये शेप पट्टी से आपने ऐसे गुलाई कर लेनी है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया मुकम्मल। अब यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला हिस्सा ट्राउज़र का, यहाँ से जो लुक आता है और ये खूबसूरती होती है, तो इस पे आपने क्या करना है, इस तरीके आपने ये 2.5 इंच का ये रख के उसके बाद आपने बॉटम रखने हैं। इसके बॉटम है 7 इंच, आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ से ये शेप पट्टी से फिर आपने ये वाला निशान इस तरीके से लगा लेना है ऐसे, ठीक है जी। यहाँ से फिर आपने यही शेप पट्टी से आपने निशान ऐसे लगाना है इस तरीके से। आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो मैंने कटिंग का बोला था, इस तरीके से आपने इसका दबाव नहीं छोड़ना, क्योंकि इस पे हमने ये बॉर्डर लगाना है बढ़ता हुआ इस तरीके से। और इसकी आपको मैं लेस भी दिखाऊंगा, कटिंग करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैं आप ये इसके पे कटिंग कर रहा हूँ, और इसके बैक में यहाँ पर हल्का सा जोड़ आएगा, और इस तरीके से आपने बैग 2 इंच यहाँ से बड़ा काटना है, और इस निशान पे आपने ये कटिंग कर लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसी निशान पे काटना है, इसमें दबाव वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेनी है, और ये वाला जो कपड़ा बच गया हमारा, हमने क्या करना है, इस जगह पर इसको जोड़ पर इस्तेमाल करना है, इस जगह पर। ये देखें ऐसे मैंने इसको, आप इस्त्री से थोड़ा सा बिठा लें इसको, खूबसूरत तरीके से आप कटिंग सीख सकते हैं अगर आप टाइम दें तो। ये देखें इस तरीके से आपने, फिर मैं आपको ये कटे यहाँ से निशान लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये बैक जो है ना, ये इतना आपने 2 इंच वाफिर काटना है, मतलब बड़ा काटना है इस तरीके से आपने।
ये देखें इस तरीके से आपने ये थोड़ा बड़ा काटना है और इसको अब मैं यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से इसके साथ साथ आपने ऐसे कटिंग करनी है इसको। देखें जी खूबसूरत सा ट्राउज़र आज आपको मैंने काटना सिखाया है प्रॉपर, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताई है। तो आपने एस के दर्जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके और ये और आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है जी। ये तरीका था आपको जो सिखाया मैंने। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ।